तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनके घर पर जो है रेड पड़ी है ईडी और सीबीआई की। ये रेड इसलिए बताई जा रही है कि बताया जा रहा है कि शराब घोटाले से जुड़ी हुई कई सारी पूछताछ जिसमें संजय सिंह भी रडार पर आ चुके हैं। आखिर ये क्यों आए हैं, तो इससे पहले हम थोड़ा सा शराब घोटाले के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शराब घोटाला जिसमें दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जो कि वित्त मंत्री थे दिल्ली सरकार में जो दूसरी बार सरकार बनी थी, तो उसमें एक जो शराब का जो वितरण का एक नियम बनाया गया था उसमें ये बताया गया कि कई सारे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उसमें नियम उस तरीके से बनाए गए कि कई ऐसे उनके नज़दीकियों को या जिसको टेंडर दिया गया है उनमें नियमों में फेरबदल किए गए जिससे कहीं ना कहीं कई कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा काम किया गया, जिसमें उस पर जब पूछताछ हुई तो उसमें मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, अब और भी लोगों से पूछताछ 2 महीने पहले भी हुई थी संजय सिंह से जुड़े हुए लोगों से। लेकिन आज जो संजय सिंह के घर पर जो ईडी की रेड पड़ी है वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई है। इससे पहले भी आपको बता दें कि संजय सिंह लगातार संसद के अंदर लगातार प्रखर होकर बोलते हुए आ रहे हैं, कई बार तो उनको संसद से बाहर भी कर दिया गया है। पूरे संसद सत्र के लिए इससे पहले जब अभी संसद चल रहा था उसमें भी इनको संसद सत्र से बाहर निष्कासित कर दिया गया था पूरे सत्र को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर कोई सवाल करेगा, जैसे अभी इसके पहले कल की खबर आपको बता दें कि कई सारे पत्रकारों को उनके घर से दिल्ली पुलिस ने उठाया और ये बताया जा रहा है कि उनसे भी पूछताछ हुई थी न्यूज क्लिक को लेकर, तो क्या आज की जो सरकार है इस तरीके से जो कंट्रोल कर पा रही है पत्रकारों के ऊपर, पत्रकारों को दबाया गया संसद के अंदर, संसद के बाहर डराया गया कि अगर आप सरकार के खिलाफ खबरें चलाएंगे तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा, तो जब ये लोग नहीं माने तो अब इनके घर पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ने लगी है। और वो भी सबसे बड़ा जो चौंकाने वाली बात है कि UAPA के तहत इनके खिलाफ जो कार्यवाही होनी है जिसमें आतंकी गतिविधियां शामिल होती हैं। पहले जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से पत्रकार थे। पत्रकारों में सबसे पहला जो नाम आता है देव चक्रवर्ती, अभिषार शर्मा, आशा सिंह, उर्मिलेश, सोहेल हाशमी, संजय राजौरा, नीरो नंदन, गीता हरिशरण। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सारे पत्रकार जो लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, सरकार के कामों की फोल खोल रहे थे, जो भी चीज़ें हो रही थी उन गतिविधियों में शामिल थे, तो क्या इन पत्रकारों को इस तरीके से दबा दिया जाएगा या इनके सवाल पूछने पर इनके घर पे CBI की रेड जाएगी, ED की रेड जाएगी, या विपक्ष में कोई मंत्री या विधायक या संसद बोलेगा उसके घर पर ED CBI में इतना ज़्यादा उलझा दो कि वो थक हार के BJP ज्वाइन कर ले। तो ये कहीं ना कहीं आज हम बात करते हैं संजय सिंह के ऊपर, तो संजय सिंह के घर पर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को के लिए तो खतरा है ही है, पूरे विपक्ष को इस पर एकजुट फिर से होना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का यूज किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे प्रोपगंडा के लिए, सरकार को सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए, जो भी BJP में शामिल हो जाता है उसके घर पर ईडी और सीबीआई कभी नहीं पहुंचेगी, ये तो सभी लोग जग जाहिर है, सभी जानता है। लेकिन आपको बता दें कि संजय सिंह इसकी रडार में कैसे आए, तो संजय सिंह के ऊपर आरोप लगा है कि दिनेश अरोड़ा नाम का एक है जिससे जो इसमें मेन आरोपी शराब घोटाले में मेन जो व्यवसायी है उसका धंधा ही यही है, वो इसमें जो है मुजरिम पाया गया और उसके कई सारे ऐसे लेन देन हैं जो कि उसके रडार में आए जो मेन मुजरिम है। उसको बताया जाता है कि दिनेश अरोड़ा ने एक बयान में ये कहा था कि संजय सिंह से उनकी बात हुई, जिसके बाद से उन्होंने संजय सिंह से बात किया और संजय सिंह ने जो उप मुख्यमंत्री थे हमारे क्या नाम है मनीष सिसोदिया जी उनकी मीटिंग कई सारे उद्योगपति जो कि व्यापार शराब में शराब का व्यापार करते हैं कई सारे उद्योगपतियों से उनकी मीटिंग करवाई और ये कहा गया कि हमारी जब दोबारा सरकार बनेगी या उसी में जिस तरीके से उसमें नियम बदले गए उन लोगों को फायदा पहुंचाया गया जिसके तहत इन लोगों ने घोटाला किया, ये आरोप लग रहे हैं कि संजय सिंह ने जो दिनेश अरोड़ा है उसके माध्यम से तमाम ऐसे व्यवसायी जो शराब से जुड़े हुए हैं उनकी मीटिंग मनीष सिसोदिया से कराई है। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर होता क्या है आगे आने वाले समय में। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने अपने घर पर भी बोर्ड लगाया था बाकायदा कि मैं ईडी और सीबीआई का स्वागत करने के लिए तैयार हूं, हमारे घर आइए हमसे पूछताछ करिए, लेकिन इससे पहले भी बता दें कि संजय सिंह ने ईडी के डायरेक्टर को और सीबीआई के डायरेक्टर को उन्होंने पत्र लिखकर भेजा कि कई सारे अधिकारी आपके विभाग के हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार इस तरीके से उनको जवाब भी आया था ईडी के दफ्तर की तरफ से और उन्होंने कहा कि जो भी आपका नाम इसमें आया है वो गलत तरीके से आ गया, उन्होंने बाकायदा लिखित में दिया है संजय सिंह को। और उसके बाद एक महीने बाद एक दो महीने बाद फिर आज
आज संजय सिंह के घर पर ईडी और सीबीआई की रेड चल रही है। तो अब आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ है, आज संजय सिंह के साथ हुआ है, इसके पहले भी कई सारे संजय सिंह से जुड़े हुए उनके घर पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई है, अलग अलग लालू प्रसाद यादव के घर पर हुई थी, जिस तरीके से उनकी घर में, मतलब अगर विपक्ष में कोई है सरकार से सवाल पूछ रहा है पत्रकारों पर, इस सरकार में हमने एक चीज़ देखा है कि सबसे ज़्यादा जो कार्रवाई हो रही है वो पत्रकारों के ऊपर हो रही, उन पत्रकारों के ऊपर जो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। सरकार के अगर पक्ष में है, आप कुछ भी प्रोपगंडा चलिए, किसी भी तरीके से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, या वो मंत्री, वो विधायक जो एक धाक छोड़ता हो, जो सरकार से सवाल पूछता हो, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई की रेड चल रही है। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पर, संजय सिंह के घर पर जिस तरीके से सीबीआई की रेड पड़ी है, कमेंट में राय जरूर दीजिए।